विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस सिलसिले में कुलपति जी डी शर्मा ने सभी कॉलेजों के प्राचार्य की बैठक ली, लेकिन जरूरी दिशा निर्देश दिए। शर्मा ने बताया है कि इस बार बोर्ड से छात्रों की डिटेल ली जा रही है, 22 तारीख को डिटेल आ जाएगी। अब छात्र को एडमिशन के वक्त केवल नाम बताना होगा, बाकी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। छात्रों के साथ इस सुविधा से कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों को फायदा होगा। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन में छात्र को 3-3 बार डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी होती है। विद्यालय के द्वारा आज ये जो मीटिंग आयोजित की गई है, ये मूलतः ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया पिछले बार विद्यालय के द्वारा की गई थी, तो इस बार पिछली बार क्या तकलीफें आई थी और उन तकलीफों को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस पे चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई है। तो हम सबका प्रयास यही रहेगा कि ऑनलाइन प्रक्रिया इस तरह की हो कि विद्यार्थियों को और महाविद्यालयों को इसमें अनावश्यक ज्यादा परेशानी ना हो। प्रिंसिपल जितने भी अपने महाविद्यालय जुड़े हुए हैं उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन जो नेक्स्ट सेशन में होना है उसके पहले से ही तैयारी है। हमारा ऑनलाइन का सब पोर्टल तैयार है और उसका सॉफ्टवेयर भी बना लिया गया है, उस पर चर्चा होगी। जो पिछली बार हमारे कुछ और सुझाव मिले थे और रेगुलर स्टूडेंट्स का किस तरह से उनको आसानी रहे, ये सब उनको समझाया जाएगा, दिखाया भी जाएगा। भाई दुर्गो कोंडा।